हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला क्रिश्चियन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 30 करवाने जा रहा हूँ। ये विज्ञान की क्लासेस की 29 अक्टूबर की है और ये जो वर्कशीट है ना, पौधों को जानिए से ही रिलेटेड है। इसमें हम और पौधों के बारे में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको समझाऊँगा और उसके बता दूँगा कि आपको कॉपी पर नोट क्या करना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ क्या आप करेंगे कॉपी पर। एक क्वेश्चन आपका ये वाला है, ये आपको कॉपी पर करना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका ये वाला है। अभी आंसर मैंने लास्ट में किए हैं, जो बच्चे समझना चाहते हैं तो वो शुरू से समझ लें, बाकी बच्चे जो हैं आंसर देखने के लिए वीडियो को आगे कर लें, ठीक है। चलो फटाफट पढ़ लेते हैं। जल का वाष्प के रूप में निष्कासन, मतलब जो पानी है ना वो भाप बन के बाहर निकल रहा है। अब सुनिए, पानी जमीन पर गिरता है और पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है, मतलब ये जो जड़ें होती हैं ना, इसे पानी को पी लेती हैं। जहाँ से पानी तने और पत्तियों तक जाता है, फिर तने से पत्तियों में जाता है, ठीक है। यह पानी वाष्प में परिवर्तित होकर पत्तियों से वाष्प के रूप में वातावरण में चला जाता है। जब इन पत्तियों में ज़्यादा पानी हो जाता है ना, तो भाप बनकर पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, क्या लिखा, रसारोहण, जलावशोषण, ठीक है, और जल का वाष्प के रूप में निष्कासन। मतलब कहने का ये कि यहाँ पर जो है ना, पानी जो है अवशोषित किया जा रहा है, उसके बाद रसारोहण हो रहा है, मतलब आगे तक पानी जा रहा है, उसके बाद पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब सुनिए, वाष्पोत्सर्जन, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे के वायवीय भागों से, मतलब जहाँ से पौधे सांस लेते हैं, पानी या जल की बूंदों का वाष्प के रूप में ह्रास यानी कि नुकसान, यानी कि वो निकल जाती हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पानी में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा जल वाष्प वातावरण में बाहर निकलती है। पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है, उसे स्टोमेटा कहते हैं, और यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, और यहीं से जो पानी होता है वो भाप बनकर बाहर निकलता है। मतलब अगर आपसे पत्ती के कार्य बोलेगा तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि एक तो पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरा जो पानी पत्तियों में होता है वो भाप बनकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपको कॉपी पर करना क्या है। पहला आपको ये करना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं इसका आपको आंसर दिखाता हूँ। ये कह रहा है, पत्तियों का कार्य बताइए या पत्तियाँ क्या कार्य करती हैं। अब आप आंसर देखिए इसका, जिस स्टूडेंट्स आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर लिखिएगा, अगर आप शीट पर कर रहे हैं, ठीक है, अगर कॉपी पर कर रहे हैं तो ये लिखिए, फिर इसका आंसर ये लिखना है, ठीक है। आप लिखेंगे, हरी पत्तियाँ स्टोमेटा द्वारा जल वाष्प को वातावरण में बाहर निकालती हैं, हरी पत्तियाँ गैसों का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गए ना आंसर, ठीक है। मतलब दो पॉइंट लिख देना इसके क्या कार्य हैं। तो पहला आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, अब उसके बाद आगे देखिए, पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन मिट्टी या पानी से नहीं ले पाते हैं, ठीक है। पत्तियाँ पौधे के लिए भोजन बना पाती हैं, क्यों बना पाती हैं, क्योंकि वे हरी होती हैं और पत्ती में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछे कि पत्ती का जो रंग है वो हरा क्यों होता है, क्योंकि पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हरा वर्णक। पत्ती सूर्य के प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। अगर कोई पूछे ना, पत्ती अपना भोजन कैसे बनाती है, क्या क्या कच्चा माल चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ठीक है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ना कि पौधे जिस प्रक्रम से भोजन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो आप बताओगे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये देखिए, ये पौधे अपना भोजन बना रहे हैं,
ठीक है, ये एग्ज़ाम में पिक्चर भी आती है, आपको नाम बताने होते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश। अब देखिए, देखो मैंने अभी आपको इसका आंसर दिखाया था, अभी दोबारा दिखा दूंगा, नहीं कुछ बच्चों ने लास्ट में देखा होगा ना, उन्होंने दिक्कत हो। तो देखो आपको दो ही क्वेश्चन उतारना है, ये वाला इसका आंसर और दूसरा आपका ये है। ठीक है, अभी सत्य सत्य प्रॉपर देखिए आप। ठीक है, देखिए ये पहले वाला मैंने आपको बता दिया ना, उसके बाद दूसरा वाला ये है। ठीक है, तो दूसरे वाले में आपसे बोला कि सत्य सत्य, जैसे भोजन को एक पौधे बनाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, मतलब जो पौधे होते हैं ठीक है, क्या उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए? नहीं ना, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। बच्चों हमें चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये असत्य हो गया। ठीक है, उसके नेक्स्ट है, पौधे को मिट्टी से भोजन मिलता है, ठीक है, असत्य। पौधे अपने हरी पत्तियों में भोजन बनाते हैं, सत्य। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सत्य। फिर कह रहा है पौधे को सूर्य से भोजन मिलता है, असत्य। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको दोनों बता दिए, एक ये वाला था, ये भी समझा देते पहले थोड़ी देर, और एक ये वाला। पूरी बख्शीट हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।